दिस इज सेल नंबर 4, 5, 6 and 7. नाउ विल प्लेस वंस अक्रॉस द टर्म्स विच आर प्रेजेंट. माइन टर्म जो भी प्रेजेंट है उसके अक्रॉस वन रखेंगे. जीरो इज गिवन, सो विल प्लेस वन अक्रॉस जीरो. सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, 4, 5 and 6. दिस इज आर फर्स्ट स्टेप. वी हैव प्लेस्ड वन अक्रॉस ऑल द टर्म्स विच आर प्रेजेंट. ओके, नाउ सेकंड स्टेप, लेट अस ट्राई टू फॉर्म पेयर क्वाड और ऑक्टेट. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीरो से. अब देखिए जीरो के अक्रॉस वन है, ओके फाइन, लेकिन जीरो के अक्रॉस सेल वन है उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये तो पेयर नहीं हो सकता. अब देखिए जीरो और टू एडजेसेंट है, हमने देखा था जीरो टू एडजेसेंट, यानी कि इन दोनों में एक पेयर हो सकता है. उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो सेल जीरो और फोर भी एडजेसेंट है, टू और सिक्स भी एडजेसेंट है, फोर और सिक्स भी एडजेसेंट है, यानी कि जीरो टू फोर सिक्स ये चारों एडजेसेंट है. आई रिपीट, जीरो टू फोर सिक्स ये चारों एडजेसेंट है. सो वी कैन फॉर्म अ क्वाड बिटवीन जीरो फोर टू एंड सिक्स, यस, एज दे आर एडजेसेंट. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्वाड इज फॉर्म बिटवीन जीरो टू फोर एंड सिक्स, हो गया. अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, सेल नंबर 3 में एक 1 है, वो अनकवर्ड है. अब 3 और 2 दोनों भी एडजेसेंट है, तो हम 3 और 2 का एक पेयर ले सकते हैं. देयर इज अ पेयर बिटवीन 2 एंड 3. आई एम राइटिंग इट हियर, ए पेयर बिटवीन 2 एंड 3. फाइनली सेल नंबर 5 में भी एक 1 है. अब देखिए 5 और 4 एडजेसेंट है, सो वी कैन टेक अ पेयर बिटवीन सेल 4 एंड 5. सो वील राइट ए पेयर बिटवीन 4 एंड 5. अब मैं एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 0, 2, 4, 6. अब देखिए 0, 2 के लिए ए का जो वैल्यू है वो ए बार है, 4 और 6 के लिए ए का वैल्यू है ए. ए प्लस ए बार विल बी 1, यानी कि यहाँ से जो वेरिएबल आता है वो वेरिएबल की जगह पे आ जाएगा 1. अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं. 0 और 4 में अगर हम देखते हैं तो बी सी का वैल्यू है बी बार सी बार. 2 और 6 में बी इंटू सी बार, यानी कि दो टर्म्स हमारे पास है, बी बार सी बार, बी सी बार. अब इन दो प्रोडक्ट टर्म में से हम सी बार कॉमन निकाल सकते हैं. अगर मैं सी बार कॉमन निकलता हूँ तो वी आर लेफ्ट विथ बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार 1 होता है, सो वी आर लेफ्ट विथ सी बार. यानी कि 0, 2, 4, 6 क्वाड लेने के बाद यहाँ से हमें वेरिएबल मिलता है सी बार और यहाँ से मिलता है 1. द रिजल्ट विल बी सी बार. देख सकते हैं क्वाड से दो वेरिएबल रिड्यूस हो गए, एक तो बी हो गया और एक हो गया ए. अब हम जाते हैं पेयर 2, 3 की तरफ. देख सकते हैं 2 और 3 में अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ 2, 3 हॉरिजॉन्टल है, ए का वैल्यू फिक्स्ड है ए बार, तो यहाँ से कुछ कॉमन अलग निकल नहीं सकता, विल टेक ए बार. नाउ विल गो फॉर अपवर्ड साइड. सेल नंबर 2, 3 अगर हम देखते हैं, देखिए 3 के लिए बी सी वैल्यू है और 2 के लिए है बी इंटू सी बार. अब इन दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं बी को, सो आई विल टेक बी फ्रॉम देयर एंड आर रिजल्ट विल बी ए बार इंटू बी. नाउ लेफ्ट विथ 4, 5. अब देखिए 4, 5 में इफ यू लुक लाइक हॉरिजॉन्टल वे, 4, 5 के लिए ए का वैल्यू 1 यानी कि ए है, सो यहाँ से हम लेंगे ए. नाउ लुकिंग टुवर्ड्स बी सी, देखिए सेल नंबर 4 के लिए बी सी का वैल्यू है बी बार सी बार और 5 के लिए है बी बार सी. अब इन दोनों में अगर कुछ कॉमन निकलता है तो वो ये टर्म है बी बार, बाकी तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी बार. सो फाइनली हम इसको ऐड करेंगे, एफ इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस सी बार. दिस विल बी आर रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप. किस तरह से किया, एक क्वाड फॉर्म हो गया, दो पेयर और उसका रिजल्ट आ गया एफ मिनिमम. अब इसी प्रकार से विल गो फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल. दैट एग्जाम्पल इज एफ इज इक्वल्स टू समेशन एम 1, 2, 4, 6, 7. सेम प्रोसेस, विल मैप देम विद द वैल्यूज लाइक दिस. ये टर्म्स भी हम लिखेंगे बी बार सी बी सी बी सी बार. सेल नंबर असाइन करेंगे, ओके. नाउ विल प्लेस वन अक्रॉस द टर्म्स विच आर प्रेजेंट. एसओपी फॉर्म में है, देखिए माइन टर्म नंबर 1 है, माइन टर्म नंबर 2, माइन टर्म नंबर 4, माइन टर्म नंबर 6, माइन टर्म नंबर 7 के अक्रॉस 1, 1 है. अब हम स्टार्ट करेंगे
फर्स्ट सेल से। आप देख सकते हो माइंटम वन यहाँ पर है, इसके एडजेसेंट सेल 0, 3 और 5 तीन है, लेकिन इन तीनों में भी वन नहीं है, तो ये हो जाएगा आइसोलेटेड, यानी कि इसके साथ किसी भी प्रकार का पेयर को अडॉप्टेड फॉर्म नहीं हो सकता। सो इज राइट आइसोलेटेड वन। ओके, अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज टू। अब देखिए 2 और 6 एडजेसेंट है, यानी कि 2 और 6 का हम एक पेयर फॉर्म कर सकते हैं। सो विल राइट ए पेयर बिटवीन 2 एंड 6। नेक्स्ट विल कम अक्रॉस 4। अब देखिए 4 के एडजेसेंट कौन कौन सा सेल होता है, 0, 5 और 6 होता है। अब 0, 5 है तो कुछ भी नहीं है, सो विल गो विथ 4 एंड 6। सो आई कैन फॉर्म ए पेयर बिटवीन 4 एंड 6। सो ये हो गया पेयर बिटवीन 4, 6। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 7th सेल। 7th में भी 1 है, और 7 के एडजेसेंट में देख सकते हैं 3 में कुछ नहीं है, 5 में कुछ नहीं, 6 में है, तो हम 6 और 7 का एक पेयर ले सकते हैं। सो विल टेक अ पेयर बिटवीन 6 एंड 7। ओके, आई होप यू गॉट दिस वन। एक आइसोलेटेड आ गया और 3 पेयर्स आ गए। अब हम इसको रीड करेंगे। अब देखिए स्टार्ट विथ आइसोलेटेड टॉप के लिए, आइसोलेटेड 1 के लिए ए का वैल्यू है ए बार, तो यहाँ से वेरिएबल आ जाएगा ए बार। नाउ लुक अपवर्ड साइड, आइसोलेटेड है, कुछ पेयर वगैरह फॉर्म नहीं होता है, उसका वैल्यू क्या, देखिए बी बार सी, तो उसको इसी तरह से लिखेंगे बी बार सी। ओके, अब पेयर के लिए आते हैं। देखिए आइसोलेटेड में एक भी टर्म वेरिएबल हमारा रिड्यूस नहीं हो चुका है, पेयर में एक हो सकता है। स्टार्ट करेंगे 2, 6 की तरफ। 2, 6, अब देखिए 2, 6 को सेल नंबर 2 में ए का वैल्यू ए बार है, और 6 में ए बार ए का वैल्यू है ए। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे, ए प्लस ए बार विल बी 1, यानी कि यहाँ से हमें मिल गया 1। अपवर्ड साइड में देखते हैं, 2, 6 वर्टिकल है, और वर्टिकल का अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो बी सी का वैल्यू क्या, देखिए बी इंटू सी बार, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। सो विल गेट बी सी बार यहाँ से इंटू 1, ये हो जाएगा बी इंटू सी बार। नेक्स्ट 4, 6 के लिए, देखिए 4, 6, 4 और 6 हॉरिजेंटल है, आप देख सकते हैं इट इज़ हॉरिजेंटल। यस, अब 4, 6 के लिए अगर मैं देखता हूँ तो ए का एक ही वैल्यू है, वो क्या है, देखिए ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ए है, तो यहाँ से कुछ दूसरा वेरिएबल हम निकल नहीं सकते, खाली ए आ जाएगा, विल टेक दैट वेरिएबल ए। अब इसको ऊपर की तरफ देखते हैं, सेल नंबर 4 के लिए बी सी का वैल्यू है, देखिए बी बार सी बार, राइट, और सेल नंबर 6 के लिए बी सी का वैल्यू है बी इंटू सी बार। अब इन दो प्रोडक्ट टर्म में से हम कॉमन अगर चेक करते हैं तो सी बार कॉमन निकल सकता है, उसको कॉमन निकालेंगे, और वो होगा हमारा सेकंड वेरिएबल एज सी बार। अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बी बार सी बार प्लस बी इंटू सी बार अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा सी बार इंटू बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार तो 1 होता है, 1 इंटू सी बार यानी कि क्या होता है सी बार, तो इनडायरेक्टली हम उसको फेच करेंगे। सो यहाँ पर आ गया सी बार। हो गया एक वेरिएबल रिड्यूस। अब 6, 7 के लिए देखते हैं। 6, 7 अगेन इफ यू लुक दिस वन, 6, 7 हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में ए का वैल्यू 1, यानी कि ये आ जाएगा ओनली ए। अब ऊपर की तरफ देखिए, सेल नंबर 7 के लिए बी सी का वैल्यू बी सी है, देखो बी इंटू सी, और 6 के लिए वैल्यू है बी इंटू सी बार। अब इन दोनों में हम बी कॉमन निकाल सकते हैं, बिकॉज ओनली टर्म व्हिच वी कैन टेक एज बी कॉमन, तो ये हो जाएगा बी। नाउ वी गॉट दैट टर्म्स एज आइसोलेटेड एंड 3 पेयर्स, तो इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, हम किस तरह भी लिख सकते हैं, ए बार बी बार सी प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार प्लस ए इंटू बी। सो दिस विल बी आर रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन यूजिंग केमैप। अब ये तो हो गया सम प्रोडक्ट में, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सब के बारे में। नाउ विल स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ सम। अब देखिए एफ इज इक्वल टू दिया है पाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम यानी कि मैक्स टर्म का इक्वेशन है, और इसमें हम जो भी टर्म्स प्रेजेंट है उसके अक्रॉस प्लेस करते हैं 0। एसओपी में हमने 1 रखा था, यहाँ पर हम प्लेस करेंगे 0। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, विल प्लेस 0। अब देखिए ये मैक्स टर्म्स प्रेजेंट है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। सो दिस ऑल मैक्स टर्म्स आर प्रेजेंट। अब हम वैल्यू असाइन करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ए 0, यानी कि अनकॉम्प्लीमेंट्री ए, और ये हो जाएगा ए बार।
अब अगर हम इसका बात करते हैं तो ये हम लिख सकते हैं बी प्लस सी। अब हम प्रोडक्ट ऑफ सम में हैं, बी सी नहीं लिख सकते, बी प्लस सी। ये हो जाएगा बी प्लस सी बार, ये है बी बार प्लस सी बार, एंड दिस वन इज बी बार प्लस सी। ठीक है, अब मैपिंग करेंगे सेम प्रोसीजर, आइदर पेयर, क्वाड और ऑक्टेट। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मैक्स टर्म से। देखिए यहाँ पर जीरो है, इसका एडजेसेंट वन में भी जीरो है, इसके एडजेसेंट में भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यानी कि इन चारों का हम एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, दैट बिकम्स ए क्वाड। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फोर सेल्स, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज क्वाड। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, देर इज ए क्वाड बिटवीन जीरो, वन, टू एंड थ्री। हो गया, अब रिमेनिंग टर्म्स क्या क्रॉस होते हैं, लेट स्टार्ट विद सेल नंबर फोर। यहाँ पर जीरो है, अब जीरो और फोर, सेल नंबर जीरो फोर एडजेसेंट होते हैं, तो वी कैन फॉर्म ए पेयर बिटवीन जीरो एंड फोर। सो आई विल बी राइटिंग पेयर बिटवीन जीरो एंड फोर। नाउ वी आर लेफ्ट विथ सेल नंबर सेवन में एक जीरो है, तो जीरो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, सो वी कैन फॉर्म अ पेयर बिटवीन थ्री सेवन। विल राइट अ पेयर बिटवीन थ्री एंड सेवन। आ गया एक क्वाड और दो पेयर। अब एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, सबसे पहले क्वाड। देखिए जीरो, वन, टू, थ्री में ये हॉरिजेंटल है, ए का वैल्यू फिक्स है, देखिए ए इज इक्वल टू जीरो यानी ए आ जाएगा। नाउ हम ऊपर की तरफ देखते हैं, देखिए सेल नंबर जीरो में क्या है, बी प्लस सी है, वन में बी प्लस सी बार, थ्री बी बार प्लस सी बार, टू में है बी बार प्लस सी, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है पूरा सेल कवर कर रहा है। अब ये पूरा सेल अगर कवर करता है तो वहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा वन। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वन। सो ए इंटू वन इज गोइंग टू बी ए। सो क्वाड जीरो, वन, टू, थ्री का रिजल्ट क्या आ गया, ए। किस तरह से आ गया, देखिए यहाँ से हमने लिया ए, ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो इट इज़ कवरिंग ऑल द सेल्स, और ये पूरे सेल कवर करता है, यानी कि पूरा मिनिमाइज हो सकता है, और बाई डिफॉल्ट इसका रिजल्ट कितना आता है, वन आता है। सो यहाँ पर मिल गया ए। अब पेयर की तरफ चलते हैं, जीरो फोर का। देखिए जीरो फोर में अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखता हूँ यहाँ पर, तो देखिए क्या है, जीरो के लिए ए वैल्यू है और फोर के लिए है ए बार। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, सॉरी एडिशन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ से मिल गया वन। लुकिंग अपवर्ड साइड, जीरो फोर के लिए बी सी का वैल्यू क्या है, देखो बी प्लस सी है, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, थ्री सेवन, थ्री सेवन के लिए भी देखिए ए का वैल्यू दो है, एक ए एक ए बार है। अब इन दोनों का मैं एडिशन करूँगा तो रिजल्ट आ जाएगा वन, तो यहाँ से मिल गया वन। अब अपवर्ड साइड में देखिए, वन वन यानी कि क्या है, ये बी बार प्लस सी बार, सो दिस इज बी बार प्लस सी बार। ओके, पी ओ एस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम में। अब इन सभी का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, सो विल गेट एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी इंटू बी बार प्लस सी बार, एंड दैट विल बी आर minimized expression. I hope you are getting it. Yes, let us take one more example, and that example is here. सबसे पहले तो all cells से उसको assign कर लेने का है, देख बाद उसका values भी assign करेंगे, it becomes quite easier. A, A bar, again B plus C, this is B plus C bar, ये है B bar plus C bar, और ये है बी बार प्लस सी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट का, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट ऑफ सम का, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन की जगह पर एडिशन आ जाए, तो ये केयरफुली हमें रखना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर तीन टर्म्स है, जीरो, थ्री, फाइव, विल प्लस जीरो, थ्री और फाइव। ओके, नाउ चेक करेंगे कुछ पेयर वगैरह मिलता है क्या। देखो जीरो के एडजेसेंट कौन कौन है, वन, फोर, उसमें कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स आइसोलेटेड। थ्री के अक्रॉस भी देखिए, थ्री के एडजेसेंट वन, टू, सेवन है, उसमें भी कुछ नहीं है, तो आइसोलेटेड आ गया। फाइव का भी ऐसा आइसोलेटेड, यानी कि हमें तीन आइसोलेटेड टर्म्स मिले हैं, आइसोलेटेड जीरो, देन आइसोलेटेड थ्री, और एक है आइसोलेटेड फाइव, यानी कि यहाँ से कुछ भी हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर पेयर होता तो एक वेरिएबल कम हो सकता था, क्वाड में टू वेरिएबल्स, और ऑक्टेट अगर होता है तो थ्री वेरिएबल्स मिनिमाइज हो सकते हैं, तो यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है। तो देखते हैं इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर देखिए
ए का वैल्यू ज़ीरो यानी ए है, तो ये वेरिएबल आ जाएगा ए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम में है तो सबसे पहले सम लेना पड़ेगा, इसीलिए हमने एडिशन किया है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ज़ीरो सेल के लिए बी सी का वैल्यू क्या है, बी प्लस सी, तो उसको ऐसे लिखेंगे बी प्लस सी, ये हो गया फर्स्ट का। अब सेल नंबर थ्री के लिए देखिए ए का वैल्यू है ए प्लस, अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वैल्यू क्या है देखिए बी बार प्लस सी, बी बार प्लस सी। थर्ड आइसोलेटेड नंबर फाइव के लिए देखिए, अब फाइव सेल नंबर के लिए ए का वैल्यू वन यानी ए बार है, प्लस ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो वैल्यू क्या है देखो बी प्लस सी बार आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार। सो दिस इज हाउ यू कैन आइदर गो फॉर सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। आई होप यू अंडरस्टूड दोज क्वेश्चंस। सो इन दिस वीडियो वी स्टॉप हियर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू मिनिमाइज यूजिंग फोर वेरिएबल के मैम। थैंक यू। हेलो एवरीवन, in this video we will see examples on kmap, that is three variable kmap, and let us start with the first question directly. The question is reduce the expressions using kmap, and we have that function f is equal to summation m. Ab summation m diya hai to main term hai, that means this is in sum of product form. This expression is going to be in SOP form with the main terms 0 2 3 4 5 6. So we'll take the three variables. विल टेक हियर ए, ए का दो वैल्यू आ जाएगा इधर जीरो वन, एंड दिस साइड विल टेक बी सी विद द वैल्यूज जीरो 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 वन 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 जीरो। नाउ विल असाइन देम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स ए बार ए, इसको लिखेंगे बी बार सी बार, दिस इज बी बार सी बी सी बी इंटू सी बार, दिस वे हैव कोटेड। नाउ विल असाइन द सेल नंबर्स एज जीरो वन थ्री टू